हाँ तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का एक और बार स्वागत है अपन की यूट्यूब की दुकान पे। तो आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन वीडियो बिटवीन हिमालयन एंड स्क्रैम 411। तो जुड़े रहे वीडियो में लास्ट तक, तो जानते हैं कि क्या हिमालयन लेना चाहिए या स्क्रैम 411। आपके सामने है स्क्रैम 411 और मेरी 2021 रॉयल एनफील्ड हिमालयन। मेरी ये पहली ऐसी बाइक है जो एक बार शोरूम के डिस्प्ले से निकलने के बाद दूसरी बार शोरूम में आई है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी करते हैं इन दोनों बाइक को कंपेयर। और हम इंडियन सबसे पहले कोई भी बाइक लेने से पहले एक चीज देखते हैं, वो है प्राइस। तो आपको हिमालयन की एक शोरूम प्राइस मिलेगी 2.14 लाख, वहीं पे स्क्रैम 411 की है 2.04 लाख। और हिमालयन का वेट है 199 kg और वहीं पे स्क्रैम 411 का वेट है 185 kg। स्क्रैम हिमालयन से 5 kg लाइटर है, क्योंकि स्क्रैम्बलर बाइक का मीनिंग ही ये होता है कि आप बाइक को रीडिज़ाइन करके उसमें जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको निकालने के बाद बाइक को ऑफ रोडिंग मॉन्स्टर बनाया जाए। तो हिमालयन एक साल तक जिम जाके बन गई है मोर लाइटर एंड स्लिमर स्क्रैम्बलर 411। तो पहला आपको विजुअल चेंज देखने को मिलेगा, वो है इन दोनों का फ्रंट व्हील। हिमालयन में ऑफर किया गया है 21 इंच का स्पोक व्हील और उसका टायर साइज है 90x90। वहीं पे स्क्रैम्बलर में आपको मिलेगा 19 इंच का टायर जिसका टायर साइज है 100x19। तो क्या होगा कि जब आप कॉर्नरिंग करोगे तब स्क्रैम 411 में ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कंपेयर टू हिमालयन। हिमालयन में आपको कॉर्नरिंग के लिए आपको स्पीड ड्रॉप करनी पड़ेगी, वहीं पे आपको स्क्रैम में आपको कॉर्नरिंग पे फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी हेडलाइट यूनिट पे। तो हिमालयन में आपको वही पुराने वाले हैलोजन हेडलैम्प्स और इंडिकेटर मिलेंगे और एक छोटा सा ब्लैक टिंटेड विंडस्क्रीन मिलेगा। स्क्रैम 411 में आपको वही सेम हिमालयन वाला यूनिट मिलेगा, लेकिन फ्रंट लुक थोड़ा सा रीडिजाइन किया है और विंडस्क्रीन स्क्रैम 411 में मिसिंग है। अभी बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। तो हिमालयन में आपको वही सेम 41mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा जिसका ट्रैवल है 200mm। और स्क्रैम 411 में भी आपको सेम सस्पेंशन मिलेगा, लेकिन उसका इंटरनल चेंज है और उसका ट्रैवल 119mm है, क्योंकि हिमालयन के कंपेयर में फ्रंट टायर का साइज छोटा हो गया है इसलिए सस्पेंशन ट्रैवल भी कम हो गया है। अभी आते हैं इसके टैंक पे। हिमालयन और स्क्रैम 411 में आपको सेम 15 लीटर का टैंक मिलेगा, लेकिन हिमालयन में आपको जेरिकेन माउंट मिलेगी जो स्क्रैम 411 में मिसिंग है। उसकी जगह पे आपको एक छोटा सा प्लास्टिक पार्ट मिलेगा जहाँ पे रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। और साइड पैनल पे आपको मिलेगा हिमालयन में हिमालयन का ब्रांडिंग और वहीं पे स्क्रैम 411 में मिलेगा आपको स्क्रैम 411 का ब्रांडिंग। अभी बढ़ते हैं इसके इंजन पे। तो इंजन में कोई भी टेक्निकली या मैकेनिकल चेंज नहीं है, सेम डिट्टो इंजन है। बस स्क्रैम 411 में एक नया इश्यू में पाया है जिससे आपको थोड़ा सा इंजन ज्यादा रिफाइंड फील होगा कंपेयर्ड टू हिमालयन। अभी आते हैं इसके रियर सस्पेंशन पे। तो हिमालयन और स्क्रैम 411 में सेम सस्पेंशन है, बस इंटरनली थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। हिमालयन और स्क्रैम्बलर में आपको रियर में सेम 17 इंच के ड्यूल पर्पस C8 के टायर मिलेंगे। अभी बढ़ते हैं इसके ब्रेकिंग पे। तो हिमालयन में बाइबर कैलिबर ब्रेक मिलेगा विथ ड्यूल चैनल ABS जो स्विचेबल है। अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो पीछे वाला ABS को आप डिसेबल कर सकते हो। वहीं पे आपको स्क्रैम 411 में यूनिट तो सेम ही मिलेगा विथ ड्यूल चैनल ABS, लेकिन ABS है वो स्विचेबल नहीं है जिससे आप ABS को बंद नहीं कर सकते। तो हिमालयन में आपको टेल माउंटेड रैक मिल जाएगा जो स्क्रैम 411 में मिसिंग है। उसके साथ आपको हिमालयन में LED टेल लाइट और हैलोजन इंडिकेटर मिलेंगे। सेम यूनिट आपको मिलेगा स्क्रैम 411 में LED टेल लाइट और हैलोजन इंडिकेटर, लेकिन इंडिकेटर का थोड़ा सा पोजीशन कंपेयर टू हिमालयन स्क्रैम 411 में इंडिकेटर थोड़े पीछे की तरफ आ गए हैं। अभी बात करते हैं इसकी सीटिंग की। तो हिमालयन में आपको सीट हाइट मिल जाएगी 800mm विथ स्प्लिट सीट
वहीं पे आपको स्क्रैम 411 में सीट हाइट मिलेगी 795 mm, जो 5 mm कम है कम्पेयर टू हिमालयन, और यहाँ पे आपको सिंगल सीट ऑप्शन मिलेगा। अभी आते हैं हिमालयन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो हिमालयन में आपको बाइक प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि गियर पोजिशन इंडिकेटर, काम के और बिना काम के फीचर, जैसे कि कंपास मैंने अभी तक यूज नहीं किया, और ट्रिपर इसमें आपकी बाइक के साथ स्टैंडर्ड ही आपको मिलेगा, कोई एज एन एक्सेसरी आपको एड करवाना नहीं पड़ेगा। जहाँ पे स्क्रैम्बलर में आपको सेम मिट्योर का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगी स्क्रैम 411 की ब्रांडिंग। अगर आपको ट्रिपर चाहिए तो आप एज एन एसेसरी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ, एक छोटा सा चेंज है, हैंडल बार पे आपको ये एक छोटा स्विच मिल जाएगा, जिससे आप आपकी बाइक की ट्रिप ए ट्रिप बी सेट कर सकते हो। लास्ट है, स्क्रैम 411 मिसिंग कर रहा है मैन स्टैंड, आपको सिंगल स्टैंड ही मिलेगा, मैन स्टैंड हटा दिया है स्क्रैम 411 से। अगर आपको चाहिए तो आप एज एन एसेसरी इंस्टॉल कर सकते हो। और कंपेयर टू हिमालयन, स्क्रैम 411 का ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। स्क्रैम 411 का ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm, वहीं पे हिमालयन का ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm। तो अभी हम चला रहे हैं स्क्रैम 411, अभी मुझे उस तरफ जाना है, लेकिन ट्रैफिक इतनी है कि किधर से मिलेगा मौका, अपनी गाड़ी नहीं है इसलिए थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। ओके, रात में तो ये स्पीडो कंसोल विजिबल है, मुझे नहीं लग रहा कि दिन में इतना ज़्यादा विजिबल होगा, और सिटी के लिए ये बाइक बड़ी ही परफेक्ट है। आप आराम से इसको मैन्यूवर कर सकते हो ट्रैफिक में, कंपेयर टू हिमालयन। हिमालयन में थोड़ा वेट ज़्यादा है, इसलिए सिटी में उसको चलाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। यूज्ड हो जाओगे एक बार हिमालयन चलाने लग गए तो, लेकिन जब आप हिमालयन से स्क्रैम्बल में अपना स्क्रैम्बलर में स्विच करोगे, तब आपको वो जो डिफरेंट है वो क्लियर नज़र आएगा कि ये स्क्रैम 411 कितना इजी टू राइड है, फन टू राइड है कंपेयर टू हिमालयन। अभी हम यहाँ से यू टर्न ले लेंगे, अभी हम अपना हिमालयन गिरवी रख के स्क्रैम 411 उठा के आया है, थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड जूनागढ़। हिमालयन से ज़्यादा ये लाइट वेट फील हो रही है, और बड़ी ही इजीली हैंडलिंग भी बहुत इसका स्मूथ है। हिमालयन आपको ज़्यादा हैवी लगेगी, अरे ट्रक वाले भैया 2 मिनट रुक जा। अगेन जो नया मैप अपडेट आया है ईसीयू का, उसकी वजह से थोड़ी स्मूथनेस रिफाइनमेंट बढ़ गई है। इंजन तो सेम ही है, इंजन में कोई भी हार्डवेयर कुछ भी चेंज नहीं है, डिट्टो इंजन है। हिमालयन ऑफ रोड, प्योरली ऑफ रोड के लिए बनी है, और ये स्क्रैम 411 सिटी के लिए, मतलब आप डेली कम्यूट कर रहे हो तो भाई आपके लिए स्क्रैम 411 बेस्ट है। अगर आप टूरिंग कर रहे हो और ज़्यादा लगेज आप माउंट करके जा रहे हो, तो फिर भाई आपके लिए स्क्रैम नहीं है, आप हिमालयन ही लीजिए, क्योंकि हिमालयन में आप इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी, क्या बोलते हैं, जितना लगेज सॉल्यूशन ज़्यादा है उसमें, लगेज के लिए ऑप्शन ज़्यादा है हिमालयन में। इसमें अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे जानने को मिला है कि इसमें भी आपको पैनियर मिल जाएंगे फ्यूचर में। चलो अभी इसको बाय बाय करके वापस से अपना काला घोड़ा ले लेते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy.